टेस्ट पढ़ा रहा था, पीपीसी एक सेकंड में देख लूँ मैं किसका टेस्ट पढ़ा रहा था, प्रिंसिपल का टेस्ट पढ़ा रहा था। अच्छा कल अपन HIO4 वाली रिएक्शंस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। क्या चाहिए बेटा? चलो कल अपन अल्कोहल के टेस्ट पढ़ रहे थे, इसमें रिएक्शन विथ पर आयोडिक एसिड चल रहा था, और हमने ये बात करी थी कि पर आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में या फिर NaIO4 की प्रेजेंस में या फिर लेड टेट्रा एसिटेट की प्रेजेंस में, इनकी प्रेजेंस में सी डबल बॉन्ड सी टूट जाता है, याद करो। तो जो कंडीशंस बताई थी वो बताई थी सी डबल बॉन्ड सी ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ या सी ओ एच ओ सी ओ एच ओ, क्लियर है। इतना जो होता है इसमें बॉन्ड टूट जाता है इन प्रेजेंस ऑफ NaIO4 और HIO4 और CH3COO4 PB की प्रेजेंस में, और जितने कट लगते होते ही OH जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। चलो मैं कुछ फिर एग्जांपल्स ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, आप लोग बता रहा हूँ। कुछ पूछू बताओगे पहले, जोन्स एजेंट क्या होता है? CrO3 plus H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। क्या कराता है वो? किसका ऑक्सीडेशन कराता है? एल्कोहल का ऑक्सीडेशन काहे में कराएगा? 1 डिग्री एल्कोहल का एसिड में, और 2 डिग्री का, और 3 डिग्री का काहे में भी नहीं करवाता, ठीक। कोलिंस रिएजेंट क्या होता है? पढ़ के मत बताओ। पायरिडीन वाला होता है, CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 और पायरिडीन होता है, ठीक। उसमें एल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाता है। इट इज यूज टू सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज 1 डिग्री एल्कोहल इंटू एल्डिहाइड, ठीक। दैट वॉज कोलिंस रिएजेंट फॉर यू, ठीक। उसके बाद में ऑक्सीडेशन O2 एंड P2 था, क्या था इसमें? O2 और PT की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराए, O2 PT की प्रेजेंस में, तो वो क्या कराता था? नहीं करते पार्टिसिपेट, 1 डिग्री को ऑक्सीडाइज करा देता था, 2 डिग्री और 3 डिग्री को ऑक्सीडाइज नहीं कराता था, कौन? O2 / PT, ठीक। अगला बताओ मेरे को, PCC क्या कराता था? PCC पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, किसका ऑक्सीडेशन कराता है? बी एल्कोहल को एल्डिहाइड में करवाता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में करवा देगा, कौन? PCC और PDCA, सही है। 2 डिग्री एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करवाएगा क्या? हाँ, 2 डिग्री का भी करवाएगा, याद करना है। MnO2 क्या करता था? एलाइलिक और वेंजाइलिक पोजीशन पे OH का ऑक्सीडेशन करा देता है CHO ग्रुप में, ठीक है। याद आ गया क्या? पढ़ के आओगे तो ज्यादा याद आएगा। उसके बाद हम आए थे HIO4 पे। अब चलो मैं कुछ एग्जांपल्स बनाता हूँ और तुम लोग करना सॉल्व। ये नंबर 1 है, नंबर 2, ये नंबर 2 है, नंबर 3, ये OH और ये OH है, नंबर 4, OH, नंबर 5, एक दो तीन चार पांच,
CH2OH. चलो ये सात एग्जाम्पल मैंने बना दिए, अगला उसके बाद और करें। ठीक, शुभम भी आए शुभम, आराम से आता है। अरे भुवन नहीं आ रहा टेस्ट देने, 20 रुपए भुवन तो देगा ही ना। और वो भी तो नहीं तरह अतरा ने कल ओके किया था कि आएगी, हटा दिया वहां से। ऐसा आप हटाने से कुछ नहीं हुआ, 20 रुपए लगे। अब तो प्रिंट निकाल लिया ना, बस तो प्रिंट निकाल लिया तो 20 रुपए का फाइन। भुवन यदि तुम सुन रहे हो तो सुन लो, टेस्ट के बाद सुन दे रहा तुमने बात की थी। अरे ऐसे ग्रुप पे, इसीलिए मैं बोलता ग्रुप पे लिख रहा हूँ। फोन था ना उसमें, हाँ नहीं दिया मतलब तुमने उसमें हाँ नहीं किया ना, जिसने हाँ नहीं किया उसका कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई हमने उतने ही प्रिंट निकाले जितनों ने हाँ किया था। चलो भाई संडे का भी अपन धीरे से एक फाइन बनाएंगे, लेट फीस का 10 रुपये तो बनाना पड़ेगा। देखो आगे बढ़े कुछ तो कमाइए, आगे बढ़े। देखो इधर कट लग जाएगा और ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बन जाएगा, इसी प्रकार के दो बॉल बन जाएंगे। इधर कट लग जाएगा, ये आया ओ एच ओ एच लग जाएगा और इधर सेमी है तो सी एच थ्री सी एच ओ बन जाएगा। ठीक है बेटा, जिन्हें इसको देखने में दिक्कत होती है वो कोई बात नहीं है, लाइन नोटेशन में कई बार दिक्कत हो सकती है बच्चे को, ऐसे कर लेना। ठीक है अगला, इधर दो कट लगेंगे, एक कट इधर और एक कट इधर। इधर हो जाएगा सी एस टू ओ एच और ओ एच, एस टू निकल जाएगा, एच सी एच ओ बन जाएगा। ठीक है सेम इधर भी बन जाएगा एच सी एच ओ और यहाँ पर सी एच ओ एच ओ एच ओ एच, एच टू बाहर निकल जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाए, डन। एच आई ओ फोर इधर एक कट लगेगा, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक
इधर दो हो गया तो ये बन जाएगा HCHO, इस पे दो एच लगेगा तो ये CO2 प्लस H2O बना देगा और ये वाला भी HCOH बना देगा, ये वाला भी HCOH बना देगा, ये वाला भी HCOOH बना देगा और ये वाला HCHO बनाएगा। तो ऊपर के दो फॉर्मेल्डिहाइड बने, तीन फॉर्मिक एसिड बने, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना, क्योंकि इस पे जब तुम C डबल बॉन्ड O है OH OH लिखोगे तो ये कार्बोनिक एसिड बनेगा जो कि स्टेबल नहीं होता, तो ये CO2 प्लस H2O बना लेगा। मेरी बात क्लियर है? अब इसके बाद में ये भी सेम ही है, अच्छा नहीं ये वाला एक कट लगा, ये C डबल बॉन्ड ओ एच और ओ एच बन जाएगा, इधर कट इधर कट इधर कट इधर कट, ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और ये भी फॉर्मिक एसिड, ये भी ये भी ये भी, तो पांच फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये वाले में नो रिएक्शन, कहीं नहीं होना क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन पर OH OH नहीं। अंजलि जाग रही नहीं टोपा, थर्ड वाला ये टिकलिया रह गया HCHO, दो मोल बन गए। ठीक है जी, खेला खत्म, अभी पीसा जम नहीं हुआ है, बचा हुआ है, जल्दी करो, और भी थोड़े से बताता हूँ फिर। इसका बटन बंद से क्या बेटा बेटा तू क्या है, बेटा बेटा तू क्या आओ, इसके बाद वो ऐसा नहीं है, क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ उसकी सच्चाई क्या होगी। उसकी सच्चाई ये होती है कि बहुत सारे बच्चे MBBS करने के लिए बाहर जाते हैं, सारे बात को तो जो बाहर गए होंगे उनमें से कोई बच्चा अपने ही पढ़ा हुआ होगा यहाँ का, उसने स्टेटस पे देखा हो। चल आगे बढ़ते हैं, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है आप लोग।
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच सी ओ एच एच आई ओ फोर। ये कौन सा नंबर है बेटा, कितने हो गए, सात हो गए ना, आठवा नौवा सी एस टू ओ एच सी एस टू ओ सी एस थ्री दस। HIO4 ग्यारह ऐसे CH3 All dilute KMnO4 Sin addition ठीक। HIO4 CrO3 बारह तेरह All dilute KMnO4 अब फिर जब पढ़ो HIO4 डेल्टा 13 नंबर बी हो गया। हो गया बेटा, करो करो, एडमिट कर लिया था क्या? अच्छा अच्छा
अच्छा पर्दा बहुत खराब आ रहा है, लेकिन तीन चार जगह से रोशनी आ रही है उस पर। तुम लोग इसको करना में 1 मिनट आया रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते अरे कार्ड नहीं हो स्टॉप कर दे वो नहीं हो गई क्यों मोबाइल से कर दे
ये तो रिवीजन का बोला है।
अरे मेजर कर लीजिए जानवी पार्टी का वो सुमनी सर 4 बजे आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ बेटा, हाँ बस 2 मिनट रुक गए, 2 मिनट रुक कॉल बैक कर, एक जरा सुमनी सर को फोन लगाओ ना भाई। अरे उनका क्या ये ऐसे काम तो नहीं चलता यार। चलो अब मैं वापस आ गया हूँ, कुछ बहुत जरूरी काम था मुझे। क्या हो गया ये? हेलो, आवाज चली गई थी क्या? हैं, माइक को क्या हुआ? अच्छा, तभी मैं कहूँ आवाज चली गई क्या? अच्छा देखो, इधर नो रिएक्शन, इधर नो रिएक्शन, डन। इधर नो रिएक्शन, डन। इधर एक कट इधर लगेगा, एक कट ऐसे फ्लो फ्लो में नहीं बहना। हाँ, एक ओएच इधर, एक ओएच इधर, इधर भी एक ओएच इधर हो जाएगा, एक ओएच इधर हो जाएगा, ये ऐसे गया, दो एक और ओएच हो जाएगा, और इस वाले पे प्लस दिस एक ओएच और एक और ओएच। चेक, देखो बेटा, इसके लिए सबसे अच्छा होता है जब भी कटफट की बारी आती है ना, सबसे अच्छा होता है आप पेंसिल और रबड़ का इस्तेमाल करें। जैसे मेरी पेंसिल ये काली वाली है रबड़, तो मैं यू कट लगाऊंगा और इधर ओएच लिख दूंगा, मेरा पेन भी काला वाला है। एक बार फिर मैं अपनी रबड़ का इस्तेमाल करूंगा और यहां पे कट लगाऊंगा, एक ओएच इधर हो जाएगा और एक ओएच इधर हो जाएगा। इस पे इतना खुश होने की बात नहीं, लाइट ही गई है, ठीक है ना, बड़े हो जाओ। आगे क्या हुआ, नेट चला गया क्या? तो फिर ठीक है, फिर कहाँ पे? अरे मैं इसीलिए तो मैंने क्या किया तुमको ये, हाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा, ठीक है, एक कार्बन को हम यहाँ कम कर देते हैं। मैंने इसीलिए कहा इधर के इधर ही कट लगा दो, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें एक्स्ट्रा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें नहीं होता। अब एक कार्बन पे ये क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, तो ये वाला बन जाएगा फॉर्मिक, ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड और ये बन जाएगा कीटोन, करेक्ट है? तो बस चाचा से बना दो कीटोन। बोल बेटा, चाचा से बना दो HCOOH और चाचा से बना दो CH3CH, डन। ये HIO4 है, HIO4 है, नहीं पहले कोल्ड डाइल्यूट किया, MnO4 की प्रेजेंस में रखेंगे, डायल बना देगा। अच्छा तुम लोग तो भूल ही गए हो ये वाली चीज, कैसे याद है तुम लोग को बन रहा हो ऐसे? तो यहाँ पे क्या होता था, कट लग जाएगा HIO4 की प्रेजेंस में, तो तुम्हें तो किस चीज का इस्तेमाल करना है तुमको पता है? हाँ मतलब दिमाग तो इस्तेमाल करना ही है,
लेकिन आप चाहें तो रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मतलब दिमाग में तो प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन रबड़ से सही हो जाएगा, ठीक है ना। CrO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा, बोलो बच्चों। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बट 2 डिग्री से कीटोन बन जाएगा। इधर कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की प्रेजेंस में यहाँ पे डायल बनेगा, OHOH लग जाएगा, डन। उसके बाद HIO4 की प्रेजेंस पे क्या होगा, इधर कट लगा देंगे, बोलो बेटा। एक OH, एक और OH, लाइक दिस, एक दो तीन चार पाँच छ, इस पे एक OH और इस पे एक OH। अंततः आप इधर से H2O बाहर निकाल देना, इस बॉन्ड को इधर गिरा देना, उधर भी यही कर देना, बोलो बेटा। अब यहाँ पर वो डी ना है चाचा, हीट है, बॉडी बन गया, हीट है वो। अब H प्लस साइन इधर आएगा, इसको रिसीव कर लेंगे, वो H2 प्लस बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये O है, ये H है, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दें तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये O है, ये H है, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में गिर जाएगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, करेक्ट है। इधर इससे 3 मोल फॉर्मिक एसिड बना है, 1 मोल J बना है, जो हो जाएगा CH2OH, CHOH, CHOH, बल्कि इसको मैं CHO कर देता हूँ, तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। बाद में बताऊंगा मैंने इसको क्यों किया CHO, एक दो तीन, और ये हो जाएगा CH2OH। मतलब मैं CHO नीचे भी लिख सकता है लेकिन फिशर फॉर्म सही नहीं होता। क्या फिशर फॉर्म सही कब होगा, जब मोर ऑक्सीडाइज फॉर्म ऊपर लिखा हो, तो ये वाला जब कट लगेगा तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, इसमें ही बनेगा, इसमें ही बनेगा, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, डन। तो इसी के साथ ये सारी की सारी रिएक्शन पूरी हो गई। हाँ बोलो, वो पहला वाला बता दो, उसमें क्यों नहीं रिएक्शन, पहले वाले में, इस वाले में, ये तो एसिड ग्रुप है ना, तो मैं C डबल बॉन्ड हो CO COH OH या C डबल बॉन्ड हो COH ग्रुप चाहिए, तब वो रिएक्शन होगी। तो OH ना, नहीं ना अरे यार, कंडीशन हो तो उसके कंडीशन सेटिस्फाइड थोड़ी ना, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं कुछ भी नहीं। अब या फिर अपन को ऐसा करना पड़ेगा, उसका जो बेसिक मैकेनिज्म है उस पर जाना पड़ेगा, वो मुझे याद नहीं है, यदि आप कहेंगे तो मैं वो आपको कल सिखा दूंगा। बस अमाइंस पे भी होता है वैसे ही, आप यदि कहेंगे तो कल हम आपको उसका मैकेनिज्म बता देंगे, बट आपको याद दिलाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, आपको याद दिलाना पड़ेगा हमको, तब जाकर के हम ऐसा करेंगे। ये कौन है, वो कौन है तीसरा, आया कि नहीं आया, कोई बात नहीं, बना नहीं, ना ना ठीक है। एक लास्ट वाला मिटा दो, अरे लेफ्ट वाले को तो मिटा लें दो यार, 3 घंटे हो गए इसको लिखे हुए, मतलब थोड़ा एक्सेसरेट करके बोल रहे हैं। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे पास है CH3OH, इसको 3 चीजों की उपस्थिति में रखा जा रहा है। एक बार रखा गया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में, दूसरी बार रखा गया एनहाइड्रस
सी ए सी एल टू और तीसरा हुआ एन हाइड्रस एम जी सी एल टू डन। जब एन हाइड्रस सी यू एस ओ फोर हम लेंगे, बोलो बेटा एन हाइड्रस सी यू एस ओ फोर लेंगे तो यहां पे बनेगा कॉपर सल्फेट डॉट टू एस टू आई सपोज या डॉट टू सी एस थ्री ओ एच। रोज इसी वक्त आवाज आती है ना, कुछ तो है। चलो भाई, इसका मतलब मिथेनॉल को यदि आप कैनॉट बी ड्राइड, मेथेनॉल कैनॉट बी ड्राइड यूजिंग सी ए सी एल टू बिकॉज सी ए सी एल टू फॉर्म्स अ क्रिस्टल, सी ए सी एल टू फॉर्म्स क्रिस्टल्स या सॉलिड कंपाउंड with methanol, ठीक। कौन सा लास्ट? अरे भाई MgCl2 था तो MgCl2 ही आएगा, वो हमसे गलती से लग गया, ठीक है जी। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में और लिख देता हूं, आप भी साथ में टोप लो, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और हम लोग नई चीज पे आ जाएंगे। मैं दो तीन चीजें रेक्टिफिकेशन की और यहां लिख रहा हूं, CO प्लस टू एच टू इन प्रेजेंस ऑफ ZnO Cr2O3 200 to 300 atm 573 to 673 kelvin alcohol बन जाएगा CH3OH। उसके बाद C12H22O11 प्लस जलुआ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेस विल गिव यू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या है फ्रक्टोज? फिर C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ जाइमेस gives us 2 मोल alcohol plus 2 CO2। ठीक, आई थिंक सो ये NCERT में दिए हुए हैं। इसके बाद नया टॉपिक चालू होगा मोनोहाइड्रिक alcohol, इसके बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद हम ग्लाइकोल ग्लिसरॉल पढ़ेंगे, आज टेस्ट है आप लोगों का पता है ना, टेस्ट है बताओ गीपे से एब्सेंट, गीपे से एब्सेंट हो गया टेस्ट वाले, नीट नहीं आई आई टी का एग्जाम दे रहा हूँ। चलो भाई जल्दी सबो इसको फटाफट चढ़ा, टाइम हो गया है करो। yeah.
अब टॉपिक डालो, नया टॉपिक का नाम है इथर नहीं ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद में फिनॉल, एरिल हैलाइड, वो सब एक साथ पढ़ेंगे, वो सब मुसीबत एक साथ निपटाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड वाले, ठीक है। अरे नीला तो चिपक ही जाता है ना, इस पे अल्कोहल डालना पड़ेगा, नामो निशान मिट जाएंगे, कोई सा भी अल्कोहल डालो। चलो ग्लाइकोल टॉपिक डालो चाचा, ग्लाइकोल। अच्छा ग्लाइकोल की विशेषता ये है कि बिल्कुल वैसे ही है जैसा अल्कोहल था, वैसी प्रॉपर्टी मिलेगी, और क्या मिलेगा, ठीक है। चलो लिखो, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल बोथ आर कलरलेस, जल्दी लिखो, ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल बोथ आर कलरलेस एंड विस्कस, और गाढ़े होते हैं, एंड विस्कस एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल बोथ आर कलरलेस विस्कस सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोथ कैन बी यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, बोथ कैन बी यूज एज, बोथ कैन बी यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ठीक। द फ्रीजिंग पॉइंट बोथ कैन बी यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ठीक है बेटा। अब इनकी रिएक्शंस, इनकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ा देता हूं क्या, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। जैसे प्रिपरेशन तो वैसे ही होंगे जैसे बाकी अल्कोहल के प्रिपरेशन हुए, तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे आपके पास CH2CH2OH है और आपने इसकी रिएक्शन HI के साथ करा दी तो क्या बनेगा, तुम ही बताओ क्या बनेगा, मेरे को नहीं पता। CH2OH है, CH2OH है, इसको आपने 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दिया तो क्या बनेगा, और CH2OH है, CH2OH है, इसको आपने एनहाइड्रस सिंक क्लोराइड के साथ रख दिया, एंड वन मोर CH2OH है, CH2OH है, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रखा तो क्या मिलेगा। ये ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लिसरॉल होता है। पहले वाले की बात करते हैं, HI है, H+ है, I- है,
इधर अटैक होगा, इधर अटैक होगा, और इसी के साथ में H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, आई आएगा। लेकिन जब -2 H2O हो जाएगा तो CH2 आई आ जाएगा, और CH2 आई आ जाएगा, पर यहां से ये वाला आई निकल जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एंड इट विल फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH2। डन। 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हीट करते हैं इसको, तो हीट करने पर इधर से H2O बाहर हो जाता है, एंड इट फॉर्म CH2 CH2 OO, लाइक दिस। फिर आता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो इसमें CH2OH है, OH, इधर से H2O निकल जाएगा, ये इस डायरेक्शन में पुल हो जाएगा, कचरे हो जाएंगे इनसे, तो एक सेकंड और सोचता हूं। वो एच हुआ, ये H2O निकाल देते, इस बॉन्ड को इस डायरेक्शन में कर देते, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये टॉटोमराइज हो जाएगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CH3 CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये विशेष बात है, आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, है ना, ध्यान नहीं रखोगे तो फिर नहीं बनेगा, ठीक। ये मतलब मेरे पास ऐसा कोई जादुई वो नहीं है मेथड जिससे मैं आपसे बोल पाऊँ कि इधर ये ही क्यों होगा, समझ रहे बात को, डिहाइड्रेशन होगा जिंक एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन होगा, तो बस वो इधर से H2O निकाल लेगा। अब आपका सवाल जेन्युइनली ये हो सकता है कि सर जी इसमें ये वाला H2O निकाला था, इसमें भी यही वाला H2O निकाल के एपॉक्साइड बना देते, तो उसका ऐसा कोई जवाब सच नहीं है मैकेनिज्म वाइज, आपको याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक। अब आया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब इस केस में भी क्या होता है, यू बन जाता, ठीक है जी। अभी कैसे बना होगा, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, इधर से H प्लस साइन आया होगा, आया तो ऑब्वियसली इधर बन गया होगा CH2OH2 प्लस CH2OH, ऐसे ही कोई दूसरा भी रहा होगा CH2OH उसका रहा होगा, और उसी का एक CH2OH2 प्लस रहा होगा बेटा, इसके लोन पेयर ने इधर अटैक करके इसको बाहर निकाल दिया होगा, इसके लोन पेयर ने इधर अटैक करके इसको बाहर निकाल दिया होगा, और 1,4 ऑक्सो कंपाउंड बन गया, ठीक है। इसको हम डाइऑक्सेन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डाइऑक्सेन बोल देंगे, ठीक ठीक इंपॉर्टेंस है इनकी। इसके बाद एक रिएक्शन आ रही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है, ट्वेल्थ में भी आती है, डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल करके जो रिएक्शन है, ठीक। अब इसमें आप ऐसी जिद नहीं कर सकते कि मेरे को हर चीज़ में मैकेनिज्म समझना है ना, जैसे यहाँ पे दो आई निकल गए थे, तो उसका रीज़न है आयोडीन इज अ लार्ज साइज कंपाउंड, बोलो बेटा आयोडीन इज लार्ज साइज, देयरफॉर अनस्टेबल ऑन एडजेसेंट पोजीशंस, एडजेसेंट पोजीशन पे अनस्टेबल होता है, तो I2 बाहर निकल जाता है। कभी भी आप देखोगे एडजेसेंट पोजीशन पे दो आई आए तो एक I2 बाहर निकल जाता है, ठीक। ये हीट करने पे डिहाइड्रेशन होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हुआ, लेकिन विशेष टाइप का डिहाइड्रेशन हुआ, जी मतलब हमारे पास समझने के 10 तरीके हो सकते हैं, अपन सोच सकते हैं भाई जब एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आया, बट चलता सब कुछ पोस्ट हाइंडेडनेस में, हमें पता था तो इसलिए हम इसे आगे बढ़ गए। इसका लोन पेयर क्या हुआ होगा, इधर अटैक किया होगा, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आने लगा होगा जब लोन पेयर इधर से इधर गया होगा,
जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो एच प्लस पे हाइड्रोजन पे क्या करेगा, प्रेशर पुट करेगा कि तुम जाओ बाहर, तो ये बाहर जाएगा, ये बॉन्ड डायरेक्शन टूट जाएगा, वहां पे ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा समझने के लिए हमारे पास है, क्लियर। ये कैसे बना वो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये हो गई आपकी चार रिएक्शन किसकी, ग्लाइकोल की। अब आते अपन ग्लिसरॉल पे, लिखना डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल इन प्रेजेंस ऑफ dehydration of glycerol in presence of concentrated H2SO4 या फिर KHSO4। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्रोलीन बनता है और पंजेंट स्पेल आती है उसके अंदर, बड़ा पूछते हैं। तो glycerol की एक इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं मैं आपको, लिखें glycerol। ग्लिसरॉल ये होता है सी एस टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच ओ एच एच, इसका एस टू निकलेगा यहां से और इसका एस टू निकलता है यहां से, ये बॉन्ड इस दिशा में चल जाता है और ये बॉन्ड इस दिशा में चल जाता है। एक सेकंड बेटा, और के एच एस ओ फोर बस बता रहा हूं, इस पे तो नहीं पूछ रहा ना कुछ जो मैं बिटा रहा हूं, बस वो बना दू उसको कंप्लीट कर दू फिर बताता हूं, है ना। अब देखो क्लियर है, याद कर रही है वो, याद कर रही है। तुम लोग एक कैट फाइट करने के मूड में रहते हो क्या? चलो अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और KHSO4, चलो मत बराबरी करो तो। अरे भाई देखो घमंड, मतलब कितना घमंड, कितना घमंड। अच्छा कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में ये बन गया, इसके बाद में हाँ ठीक है ये होगा, ये इधर से इधर ले जाओ बेटा, इसको इधर से इधर ले जाओ और इसको इधर से इधर ले जाओ, सो दैट यू विल फॉर्म सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच डबल बॉन्ड, दिस इज एक्रोलीन और एक्राइल एल्डिहाइड, एक्रोलीन और एक्राइल एल्डिहाइड, पंजेंट स्मेलिंग होती है। पंजेंट स्मेलिंग होता है, क्लियर है। नेक्स्ट नाइट्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल, नाइट्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल सी एच टू ओ एच सी एच ओ एच सी एच टू ओ एच प्लस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ एचओ एनओ टू एच ओ एनओ टू एच ओ एनओ टू एच टू यहां से बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। एच टू यहां से बाहर निकल जाएगा, करेक्ट है।
तो ये सी एस टू ओ एन ओ टू ओ एन ओ टू सी एस टू ओ एन ओ टू तो नाइट्रोग्लिसरॉल हो जाएगा बेटा, विस्फोटक होता है ये, नाइट्रोग्लिसरॉल हो जाएगा, ये विस्फोटक होता है, करेक्ट है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोल दो, टीएनजी बोलते हैं इसको, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ये हेलीकॉप्टर वालों की आत्मा आ गई, वो लोग भी तो ऐसे ही पढ़ाते हैं ना। टेस्ट है बेटा, आपका पेन उछल के वहां गिर गया, आपको पता चला? पेन का जो पीछे का ढक्कन है वो पीछे चला गया, अनुराग पैर दबाए उस पर बैठा हुआ है। वो नहीं है बेटा, इधर है कहीं पे। चलो गाइस, इसको हम जो है मेनली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव कंपाउंड डायनामाइट, मेनली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ, मेनली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कौन से कंपाउंड? एक्सप्लोजिव कंपाउंड। जैसे डायनामाइट, क्लियर है? ओपो अगला, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद ऑक्सैलिक एसिड। इसके बाद चलो बेटा पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ आज तो मैं मूवी लेने के देखने के लिए लाया था वो ना, सुबह 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 चलो गाइस आगे बढ़ते, लिखो बेटा रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ ऑक्सैलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विथ ऑक्सैलिक एसिड। समझना बात को, यह है ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH C double bond OH, C double bond OOH, इसका टैग वो है बाहर चला जाए, इट विल फॉर्म CH2O C double bond O, हाँ सही है, और ये बाहर गया तो ये बच गया C double bond OOH CHOH CH2OH। इसको 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दो तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यह बन जाएगा CH2O C double bond OH CHOH CH2OH।
इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, H प्लस ओब्लिक एच ओ एच, याला ओ एच को रिसीव करेगा, याला ओ इधर अटैक करेगा, बॉन्ड इस डायरेक्शन में टूट जाएगा, तो इट विल फॉर्म सी एस टू ओ एच सी एच ओ एच सी एस टू ओ एच प्लस फॉर्मिक एसिड। मतलब उसने ग्लिसरॉल वापस से बना दिया, फॉर्मिक एसिड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया। ठीक है बेटा, देखो जब ये H प्लस इधर करेगा तो इस पर पर्टिच आ जाएगा, इस पर पर्टिच आ जाएगा तो बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा और H2O का O इधर पे अटैक कर देगा, तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, वो वापस से ग्लिसरॉल बन जाएगा। सो दिस इज रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद ऑक्सैलिक एसिड। हाँ बेटा बोलो। सीधा रिजल्ट याद कर लो जैसा आपको सही लगे, लिख दो इट फॉर्म्स दिस फॉलोड बाय डी कार्बोक्सिलेशन, खत्म। ठीक है बेटा, उसके बाद अगली रिएक्शन है ये 260 डिग्री सेंटीग्रेड, ये काय पे कर रही मैंने, दिस इज एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ ना, अब 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन करा था, बैठ दू इसको मैं, दो ही तो है बेटा, 110 या 260, ये खुद को याद करा रही किसी और को याद करा रही हाँ पढ़ो उसको, सौरभ को याद करा रही है, फॉरम बैठा था वहां पे, वो भी चलो चलो कुछ तुम लोग, हाँ तुम लोग मतलब कुछ भी बात करते हैं। मतलब मेरे को यही लगा, मेरे को लगा या तो चिल्ला चिल्ला के इंसान खुद ही याद कर रहा होगा, वो भी अच्छी बात है, पर बेटा मोबाइल पे बात करने से तो अच्छा इंसान अकेला बैठ के कम से कम याद कर रहा है चिल्ला चिल्ला के, हाँ चैटिंग करने से। मैं देखता हूँ ना जो क्लास छूटते तो वहां सोफे बैठे लोग बातें करते रहते, यहाँ तक हंसने की आवाज आती है उनके। पता नहीं कौन करता है लेकिन आवाजें तो आती हैं। तुम लोग नहीं कर रहे होगे, कोई और होगा। ये देखो ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से इधर जाएगा, उड़ा देगा। ये कहानी 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे टाइप है, तो ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच टू ओ एच बनता। बोले बेटा ये 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहानी है, इसके बाद यही सेम टेम्परेचर पे डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, इधर से ये सी ओ टू पहला, इधर से ये सी ओ टू उड़ जाएगा, ये बॉन्ड इधर गिर जाएगा, ये बॉन्ड इधर गिर जाएगा, चेक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू ओ एच एलाइल एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक, तो 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे खेलोगे तो एलाइल एल्कोहल मिल जाएगा, 110 पे खेलोगे तो फॉर्मिक एसिड विद ग्लिसरॉल मिल जाएगा। डन, चलो इसके बाद रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद एच आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद एच आई। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो वाली डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल, एक्रोलीन वाले वो बदबू आती है, वो टेस्ट होता है एक्चुअली, मतलब ग्लिसरॉल का
आई आई डन, इधर से आई टू निकल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सी एस टू आई डन। फिर एच आई की रिएक्शन होगी, अपना भी पढ़ लो थोड़ा सा, सी एस टू आई सी एच सॉरी सी एच थ्री इधर आएगा, अरे ध्यान दो, ये इधर आएगा, इधर आ जाएगा, इधर आई आ जाएगा और इधर सी एस टू आई आ जाएगा, आई टू निकल जाएगा, ये डायरेक्शन में गिर जाएगा, इट विल फॉर्म सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। फिर एच आई के साथ रिएक्शन होगी, एच इधर जाएगा और आई इधर जाएगा, आइसो प्रोपाइल आयोडाइड मिल जाएगा। क्या आपको बात क्लियर है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ ऑब्वियसली 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 एक्सेस में है यदि तो, वरना फर्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना, मेजर प्रोडक्ट इफ एच आई इज नॉट इन एक्सेस और दिस इज मेजर प्रोडक्ट इफ एच आई इज इन एक्सेस। चलो चलो चलो, हो गया पूरा, टाइम भी हो गया, सही बताओ अभी टाइम हो गया कि नहीं हो गया? 5 मिनट बचे तो टाइम हो गया, नया टॉपिक, हाँ मतलब नया टॉपिक नहीं खोलेंगे, डिस्ट्रॉल ग्लाइकोल ही खत्म हो चुका है, अब ईथर ईथर पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। क्या जी फिनॉल बोला तो कितनी बार बोलो, एरोमेटिक कंपाउंड एक साथ पढ़ाऊंगा, एरिलेलाइड और फिनॉल और एनिलीन एक साथ समस्या दूर कर देंगे, ठीक है ना, हो गया। चलो आज की सेवा समाप्त, ठहरे व्यवस्थित।